नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल वेस्ट एशिया में टेंशन्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस प्रकार की खबरें पिछले काफी समय से आ रही हैं कि ये इंश्योर करने के लिए ईरान न्यूक्लियर वेपन का निर्माण ना कर सके, यूएसए और यूएसए के अलाय कंट्रीज मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं ईरान के अगेंस्ट, यानी ईरान के ऊपर अटैक भी किया जा सकता है। लेकिन आज राइटर ने जो आर्टिकल लिखा है वो कहते हैं, अगर यूएसए के द्वारा ऐसा किया जाता है तो ये एक प्रकार से डिजास्टर होगा। क्यों? तीन चार पॉइंट्स राइटर देते हैं। सबसे पहला तो देखो, मोरली ये गलत होगा। 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, P5+1 कंट्रीज एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ। ईरान ने इस डील की टर्म्स को फुलफिल किया है, ईरान ने ईमानदारी से इस डील को फॉलो किया है, लेकिन यूएसए यूनिलेटरल रूप से इस डील से बाहर आ गया और अब यूएसए के द्वारा धमकी दी जा रही है ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने की, ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण ना कर सके। तो गलती अगर किसी की यहां पर है तो यूएसए की है। ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना मोरली रोंग है। दूसरा पॉइंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, अगर यूएसए वार करता है ईरान के साथ, यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन लेता है, तो इसके लिए देखो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से तो अप्रूवल मिलेगा नहीं, और यूएसए के अलाय कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूके, वो भी शायद यूएसए का समर्थन नहीं करेगा, और सऊदी अरेबिया और इसराइल की सपोर्ट मिले पूरी तरह से, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि फुल फ्लेज वार जब यूएसए और ईरान के बीच होता है तो इसराइल और सऊदी अरेबिया भी अपने कदम पीछे ले लें, तो इससे इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होंगे, और यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के बीच जो अलायंस है वो अलायंस भी कमज़ोर होगा, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज यूएसए के इस एक्शन का समर्थन नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, यूके। तीसरा पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो ईरान जो है वो इराक नहीं है और ना ही ईरान लीबिया है। ये बात क्यों कही जा रही है? देखो 2003 में यूएसए और यूएसए के अलाय कंट्रीज की फोर्सेस ने इराक में मिलिट्री इंटरवेंशन किया था और सद्दाम हुसैन को गद्दी से बेदखल कर दिया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक इराक में स्टेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश हो सकी है, और इराक में सद्दाम हुसैन को गद्दी से बेदखल करना आसान था, क्योंकि उससे पहले काफ़ी सालों तक सैंक्शंस लगाए हुए थे यूएसए ने इराक के ऊपर। इराक खुद ही बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुका था वेस्ट एशिया में, यानी इराक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन ईरान की हम बात करें, ईरान हमेशा से देखो इनसिक्योर रहा है। हालांकि ईरान की जो आर्मी है, कन्वेंशनल आर्मी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस की जो पॉलिसी है वो बहुत खतरनाक है। ईरान देखो बहुत सारे ग्रुप्स को समर्थन देता है, जैसे हेजबुल्ला को समर्थन देता है लीबिया में, हाउथी रिबल्स को समर्थन देता है येमेन में, सीरिया में भी काफ़ी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको समर्थन दिया जाता है ईरान के द्वारा। और अगर देखो यूएसए अटैक करता है ईरान के ऊपर तो ईरान इन सभी ग्रुप्स को एक्टिवेट कर देगा, और ये सारे ग्रुप्स सक्षम हैं वेस्ट एशिया के विभिन्न रीजन्स में इनस्टेबिलिटी लाने में। ये हमेशा से ईरान की रणनीति रही है, और आपको याद होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले आर्टिकल्स में, कैसे ईरान ने धमकी दी है कि अगर उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जाता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को चोक कर देंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्क्रीन पर आप पिक्चर भी देख सकते हो, पर्शियन गल्फ को जोड़ती है गल्फ ऑफ ओमान से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, बहुत से शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सी लेन है कम्युनिकेशन के लिए, तो इसको चोक करने की बात कही जाती है ईरान के द्वारा। कहने का मतलब देखो साफ तौर पर यही है कि इराक या फिर लीबिया नहीं है ईरान। ईरान इतना भी कमजोर नहीं है कि यूएसए अटैक करेगा ईरान के ऊपर और ईरान आसानी से घुटने टेक देगा यूएसए के सामने।
नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जाता है, जब जब देखो वेस्ट एशियन रीजन में यूएसए ने किसी देश के ऊपर अटैक किया है या फिर मिलिट्री इंटरवेंशन की है, फॉर एग्जांपल इराक, लीबिया, तो वो पोटेंशियल डिजास्टर ही साबित हुआ है। लीबिया में भी नाटो फोर्सेस ने इंटरवेंशन किया था 2011 में और गद्दाफी को गद्दी से बेदखल कर दिया था, लेकिन उसके बाद से ही अभी तक लीबिया में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है, पूरी तरह से कैओज में है लीबिया देश। अगर ईरान में कुछ ऐसा किया जाता है तो ईरान में भी इंस्टेबिलिटी रह सकती है लंबे समय तक, जो वेस्ट एशियन रीजन के लिए कतई सही नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स के बेस पर यही कहा जाता है कि अगर यूएसए के द्वारा मिलिट्री एक्शन लिया जाता है ईरान के अगेंस्ट, तो वो एक डिजास्टर होगा। और इन पॉइंट से भली भांति से परिचित थे यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इसी वजह से ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने के बजाय उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी ईरान के साथ। लेकिन ट्रंप इस डील से अब बाहर आ गए हैं। ट्रंप बोलते तो हैं कि वो ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यूएसए की एक्टिविटीज हैं वो टेंशंस क्रिएट करने वाली हैं ईरान के साथ, वो बातचीत के रास्ते पर जाने वाली एक्टिविटीज नहीं हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।